हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रेजी स्टडी आईक्यू। दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में जीके एमसीक्यू के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आगामी होने वाले एग्जाम जैसे रेलवे एएलपी ग्रुप डी टेक्नीशियन एसएससी यूपी पुलिस सभी स्टेट पुलिस सीपीएससी बीपीएससी पीसीएस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको जो है इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का प्रसिद्ध जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो, कर्क और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन, लॉर्ड हार्डिंग पर बॉम्ब फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चार, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात किस वर्ष घोषित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पाँच, भारत का सबसे बड़ा नौसेना हवाई अड्डा सीबर्ड किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य में। भारत का सबसे बड़ा नौसेना हवाई अड्डा सीबर्ड कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छः, कच्छ की रण में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए लूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सात, महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ? आंसर ऑप्शन नंबर डी अकबर। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आठ, भारत में कागज का आगमन किस सदी में हुआ? आंसर ऑप्शन नंबर सी 13वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर नौ है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी 23 दिसंबर को। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दस, सर्वोदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी 19 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ग्यारह, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस दिन हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को ही गांधी जी का भी जन्म हुआ था 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, तत्वबोधिनी के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजाराम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट कब पेश किया गया? आंसर ऑप्शन नंबर ए 1947 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 है, नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर डी गुड़गांव में। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? आंसर ऑप्शन नंबर डी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट कहाँ है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया? आंसर ऑप्शन नंबर सी 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर हुई? आंसर ऑप्शन नंबर ए 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में असम की राजधानी शिलोंग से बदलकर दिसपुर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, भारत में किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी नहीं है? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी असम, और बाकी तीनों की राज्य भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में आईएएस की भर्ती के लिए प्रथम बार लिखित परीक्षा कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1947 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में आईएएस की भर्ती के लिए सबसे पहली बार एग्जाम हुई थी, रिटर्न एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, अंतरिक्ष पर सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाली महिला कौन है? आंसर ऑप्शन नंबर सी सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, रहमान मैग्सेसे पुरस्कार को किस वर्ष स्थापित किया गया? आंसर ऑप्शन नंबर बी 1957 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस अभिनेत्री को सर्वप्रथम पद्मश्री से नवाजा गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी नरगिस दत्त को। क्वेश्चन नंबर 32 है, धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह कथन किसका है? यह भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह कथन किसका? आंसर ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी कृति है? आंसर ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? आंसर ऑप्शन नंबर सी लाल कृष्ण अडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक लाल कृष्ण अडवाणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? आंसर ऑप्शन नंबर सी 2002 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत की संपूर्ण वर्षा का
लगभग कितना प्रतिशत भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी 75%। 75% जो है वर्षा लगभग भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, वृक्षों की आयु का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वृक्षों की आयु का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए ज्ञानी जैल सिंह का। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन के बटन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।